खबर सिरोन से। कोरोना काल में सेवाएं देने पर बैंक कर्मियों का सम्मान। मानवाधिकार संरक्षण परिषद द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक और समस्त स्टाफ सदस्यों को कोरोना काल में विधिवत रूप से अपनी सेवाएं देने पर सम्मानित किया। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बोहत एडवोकेट ने कहा, कोरोना के संकट की घड़ी में चिकित्सक, पुलिसकर्मियों, बैंक कर्मियों, सफाई कर्मचारियों सहित अनेक लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किए, उन्हें सम्मानित करना हमारा दायित्व बनता है। उन्होंने कहा, कोरोना की संकट घड़ी में हम सभी ने मिलकर लोगों की, जरूरतमंदों की मदद की। आगामी दिनों में समाज के अन्य सेवा कर्मियों को, जिनमें स्वच्छता प्रहरी, स्वास्थ्य प्रहरी और सामाजिक संस्था शामिल है, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने वास्तव में संकट की घड़ी में अपनी जान की परवाह न करते हुए निर्भीकता के साथ अपने दायित्व को निभाया। वहीं वास्तविक कोरोना योद्धा हैं, हम सभी को इनका सम्मान करना चाहिए। नहीं तोला जा सकता, सम्मान तो सम्मान है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और ये एक ऐसा प्रोत्साहन और वो है कि आदमी को, नए आदमी को सेवा करने का एक प्रोत्साहन मिले। जो मध्य प्रदेश मानव अधिकार संरक्षण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष भुवत जी का, जिन्होंने उन लोगों का सम्मान घर घर जाकर, ऑफिसों में जाकर सम्मान कर रहा है, जिन्होंने भीषण काल में विपरीत परिस्थितियों में जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सेवाएं दी, सुभाष भुवत जी का भी आज हमने सम्मान किया है। हम सुभाष भुवत जी का और बैंक कर्मियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। स्वागत है इसके बारे में। साथियों, पत्रकार बंधुओं, हमारी आंख के तारे हो आप, हमारे छोटे से आयोजन को, जो आज 100 लोग भी यहाँ एकत्रित नहीं होंगे, इस कार्यक्रम को दूर दूर तक पूरे देश में पहुंचाने वाले पत्रकार साथियों का मैं हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। और इस कार्यक्रम के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्था मानव अधिकार संरक्षण परिषद संस्था एक केवल सामाजिक संस्था है, एनजीओ के रूप में पूरे देश में कार्य कर रही है। माननीय कमलनाथ जी इसके संरक्षक हैं। संस्था के माध्यम से हमारा सबका ये प्रयास है कि कोरोना काल में जिन लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर सेवाएं दी हैं, चाहे वह पत्रकार साथी हो, चाहे डॉक्टर्स स्टाफ हो, चाहे सफाई कर्मचारी साथी हो, चाहे बैंकर्स हो, बैंक के कर्मचारी साथी हो, उनके पास जाकर हमारे कमलनाथ जी के निर्देश पर हम उनके पास जाकर उन्हें अपने स्थान पर उनका समय बर्बाद करके अपने पास न बुलाकर उनके पास जाकर सम्मान कर रहे हैं। सिरोंज के थाने में हम कर चुके हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में अलग अलग केंद्रों पर जाकर कर रहे हैं, डॉक्टर्स का कर चुके हैं और लगातार पूरे विदिशा जिले में, चूंकि मैं विदिशा का रहने वाला हूँ, पुरवाई का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं खुद वहाँ उपस्थित होता हूँ। अन्यथा हमारे नेता सज्जन सिंह वर्मा स्वयं उपस्थित होकर जहाँ जहाँ इंदौर, उज्जैन, भोपाल जहाँ जहाँ जा सकते हैं, वो खुद उनकी उपस्थिति में हमारे ये छोटे छोटे आयोजन हम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जो आज मानव अधिकार संरक्षण द्वारा स्वागत किया गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मानव अधिकार संरक्षण परिषद मध्य प्रदेश ने आज शाखा में हमारे उन कर्मचारियों का, हमारे उन साथियों का, जिन्होंने कोरोना काल में बढ़ चढ़ कर ग्राहकों की सेवा की, जनता की सेवा की, इधर से उसी के एवज में उन्होंने जो है वो आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, और उसके लिए हम लोग धन्यवाद अदा करते हैं कि संस्था ने हमें इस लायक समझा। खबर भारतवर्ष के लिए सिरोंज विदिशा से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।